ये देखो भाई, बॉडी जो है बरामद कर ली गई है, एक निकल गई है और दूसरी ना जो है निकालने लग रहे हैं। थोड़ा आगे तो जी, एक बॉडी जो है निकाल ली गई भाई। और ये देखो भाई कितना, मतलब किस तरीके, मतलब अंदाज़ा लगा इसको, बॉडी को दफनाना और उसके बाद निकालना कितना मुश्किल हो जाए भाई किसी के लिए भी। लेकिन एक अत्यारी माना इस तरीका का काम कर दिया कि मतलब पूरा समाज शर्मसार होया भाई इस घटना का। पूरा शर्म समाज शर्मसार हो गया, और पूरा दनोदा खुर्द गांव में भी मातम है इस चीज़ का और शोक है। कहीं ना कहीं लोग खुद बता रहे हैं कि हालांकि पंचायत हुई, पंचायत में कुछ इस तरीके। ये देखो भाई दूसरी बॉडी भी जो है निकाल ली गई और बहुत ज़्यादा बदबू जो है बॉडी में हो रही है, जिस तरीके से दोनों बॉडी बाहर निकाल ली गई हैं और दोनों बॉडी जो है बाहर निकाल ली गई भाई, और बहुत ज़्यादा बदबू बॉडी में हो रही है। 13 दिन बाद दोनों बाहर निकाल ली हैं, 13 दिन बाद, यानी 12 जुलाई को जो है दफनाया गया था और मिट्टी दी गई थी, आज 25 को, यानी 13 दिन बाद जो है दोबारा निकाली गई। और ये देखो भाई FSL की टीम मौके पर मौजूद है, जो ग्लव्स पहन रहे हो आप देखने लग रहे हो, हाथ में ग्लव्स पहन का जो है मुआयना करने लग रहे हैं भाई, और दोनों बॉडी जो है बाहर निकाल ली हैं। और कुछ सैंपल जो हैं वो FSL टीम द्वारा लिए जाने लग रहे हैं, कुछ जो भी डाला गया था और डब्बे में जो है वो चीज़ ली गई है। और खुद एक पिता ने, यानी जिन हाथों तय अपनी बेटी तक मिट्टी दी थी, ठीक 13 दिन बाद वो मिट्टी अटैक है। एक पिता ने जो है दोनों बेटियां की जो बॉडी है भाई वो बाहर निकल ली है, लाल कपड़े में आप देख सको दोनों जो बेटी हैं। हालांकि कितना, मतलब कि उन्होंने करते है यू, जो आप देख भी इसको हो कि एक माँ जो जन्म देव है दो बेटियां तक, और दोबारा जो है भाई गला घोट कने तकिए तो सांस रोक के जो है मौत के घाट उतार जाए अपनी दोनों बेटियां ने। कितनी शर्मसार करने वाली घटना जो है दोनों दा खुर्द में हुई। एक अत्यारी माँ, एक कलयुगी माँ ने एक कितना घिनौना काम करे है। ये देखो भाई लाल कपड़े में जो है, नज़दीक तो आप नहीं दिखा सकते, लाल कपड़े में आप जो बॉडी हैं उन बेटियां के देखने लग रहे हैं, यानी जिन्हें दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था, कुछ देखने से पहले जो है उस माँ ने शिकार कर लिया दोनों बेटियां का। टीम द्वारा लगातार सैंपल लिए जाने लग रहे हैं, मिट्टी के भी सैंपल लिए जाने लग रहे हैं, अलग अलग प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं उनमें मिट्टी का भी सैंपल लिया गया है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी भाई जो कुछ ना कुछ साथ में दवाई होंगी, वो भी जो है अलग अलग डिब्बे में भरी गई है। FSL की टीम मौके पर मौजूद है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, सदर थाना नरवाना के जो है SHO आत्माराम वो भी मौजूद हैं, और पूरी टीम मौके पर मौजूद है। और भाई उस पिता ने ही जिन हाथों तय अपनी बेटी को जो है माटी दी थी, वापस उसी पिता ने जो है वो बेटियों की बॉडी निकालनी पड़ेगी। और लाल कपड़ा में आप देखने लग रहे हो दोनों जो बॉडी है भाई, 7.5 महीने की ये बेटी थी, उस माँ के हाथ नहीं कंपे भाई। ये जो घटना, वो इस घटना को जो अंजाम दिया, कितना बड़ा दिल होगा उस माँ का जो जन्म देने वाली अपने हाथों से जो है। ये देखो भाई प्रशासन की टीम जो है दोनों बॉडी अपने साथ में लेके जाऊंगी, जो आप देखने लग रहे हो प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों बॉडी जो है निकाल ली गई और अपने साथ जो है लेके जाओगी भाई। लाल कपड़े में लिपटा दोनों बेटियां का शरीर,
पहले जो है बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था भाई, अब दोनों बॉडी जो है ले जाई जाऊंगी, निकाल ली गई है और पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाओगा और उसके बाद जो है दोबारा मिट्टी दी जाओगी। और खुद इन बेटियां का जो पिता है वो अपने हाथों से जो है जिन हाथों से मिट्टी दी थी आज उन्हीं हाथों से दोबारा जो है 13 दिन बाद ये बॉडी निकाल ली है। दूसरी भी बॉडी जो है भाई पॉलिथीन में जो है लपेट दी है और दोनों बॉडी जो है भाई पॉलिथीन में लपेट दी गई और एक कफन जो है वो भी दोनों बॉडियों के ऊपर जो है ढक दिया गया पुलिस द्वारा। प्रशासन द्वारा दोनों बॉडी जो है निकाली गई भाई और दोनों बॉडी लाल कपड़े के अंदर थी और निकाल के जो है दोनों को पॉलिथीन में पैक करके और एक कफन रूपी जो कपड़ा हो भाई वो उड़ा के जो है अब एम्बुलेंस में जो है बॉडी ले जाई जाने लग रही है, वो आप देखने भी लग रहे हो। I think we have a chance to get in there.